गांव के किसानों को खेती बाड़ी वैज्ञानिक तौर तरीके से करेंगे तो किसान भाई अधिक अनाज की उपज पाएंगे। नए दौर में नया सोच बदलना होगा, जैसे कि किसान केंद्रों पर भी जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको शहीद दिवस पर आज हरियाणा रोहतक का फुटेज आप दिखाने जा रहा हूं, जो कि हमारे सहयोगियों ने यह रोहतक से भेजा है। आप देख रहे हैं इस वक्त गली मोहल्ले में 23 मार्च 2022 को भारत के कोने कोने में शहीद दिवस मनाने का कार्यक्रम तेजी के साथ चल रही है। यह तैयारियां आप देख रहे हैं, आज 22 मार्च 2022 है और रोहतक के गली मोहल्ले में आज शहीद दिवस के एक दिन पहले ही आज गली मोहल्ले में तिरंगे और बाइक सवार रैली निकाली गई और लोगों को जागरूक करने का यह सबसे अच्छा तरीका है और देश को एक साथ एकता के साथ लाने का बहुत बड़ा मिसाल कायम करती है। यह देखी जा रही है वहीं पर कल 23 मार्च 2022 को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी शहीद दिवस के शुभ अवसर पर हरियाणा में मैराथन का आयोजन किया गया है। इस मैराथन के आह्वान खुद उप मुख्यमंत्री के द्वारा मैराथन की दौड़ का शुभारंभ कल हरी झंडी दिखाकर सुबह 6:30 बजे या देखी जा सकती है। वहीं पर नवयुवाओं साथी को सम्मान की भांति राष्ट्र देश की मजबूती मिलेगी। वहीं पर कहा जा सकता है कि यह दौड़ 13 किलोमीटर की दौड़ सुबह 6:30 बजे के लगभग में हरियाणा खटकल टोल प्लाजा से शुरुआत किया जाएगा और यह शहीद दिवस के अवसर पर लोग नवयुवा साथी और महिलाएं सभी बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। यह देशवासियों, देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले आज बलिदानी क्रांतिकारी देश के नेता भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी 23 मार्च को शहीद दिवस पर जगह जगह भारत के कोने कोने में सम्मेलन किया जाता है और लोगों को जागरूक होने और देश के प्रति अपनी सेवा भाव देने की एक अलग जो है सेवा का और देश की निर्माण और एकता के साथ आगे बढ़ने की भी प्रेरणा मिलती है। सभी नौयुवा राष्ट्र प्रेमी देश के लिए शहीद हुए सभी को शहीद का दर्जा देने की अपील करते हुए भारत सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों से सभी देशवासी मांग कर रहे हैं। उनके सम्मान में 23 मार्च 2022 को हरियाणा मैराथन की दौड़ हो रही है, जिसमें कि सभी भारी मात्रा में नवयुवा साथी और महिलाएं भी इसमें भाग ले रही है। हरियाणा के नवयुवा साथी महिलाएं सभी भाग लेते हुए आज रजिस्ट्रेशन तेजी के साथ देखी जा रही है। सभी देशवासियों से अपील है कि 23 मार्च को हम सभी लोग भारत के किसी भी कोने में रह रहे हैं तो आप जरूर से ज़रूर शहीद दिवस मनाएं, जिससे कि अपना देश और राष्ट्र प्रेम और देश की सेवा के लिए सबसे बड़ा उत्तम सेवा मानी जा सकती है और यह अपना कर्तव्य भी है और निर्वाण भी है आने वाले युगों का, आने वाले लोगों से भविष्य के लिए। सभी को देश प्रेमी होना बहुत ज़रूरी है, हमेशा देश के लिए याद करते रहें। इन सभी तीन सभी शहीद दिवस के शुभ अवसर पर 23 मार्च 2022 को हम सभी लोग मिलकर इन्हें सलूट अभिनंदन करें और इस जो है शहीद दिवस के शुभ अवसर पर जोर शोर के साथ तिरंगे के साथ गली मोहल्ले और हर जगह लोगों को जागृत करने का एक अनोखा और यह जो है संदेश सभी को बताएं। आप सभी से अपील है कि आप हरियाणा में इस समय 23 मार्च को जो है मैराथन की दौड़ की तैयारियां जोर शोर के साथ चल रही है। सम्मान का दिन है, फिर हम आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।